चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो. कहता है ए मूविंग ब्लॉक है हैविंग मास m कोलाइड विथ स्टेशनरी ब्लॉक. कोलिजन का प्रॉब्लम है हैविंग मास 4m. द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v देन द वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. देखो जब मैं कोलिजन पढ़ाया था या जैसे मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताया था कोलिजन के सभी प्रॉब्लम अगर आपको तीन लॉ अच्छे से आता है और कुछ रिजल्ट याद है बेसिक जो भी प्रॉब्लम है बेसिक है वो तीन लॉ से बने हैं. पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, दूसरा मोमेंटम कंजर्व कराने आना चाहिए और तीसरा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ जो है मतलब मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और तीसरा जो है काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी किसी किसी में लगता है बट ओवरऑल जो बेसिक है वो दो है. ठीक है आपको मोमेंटम कंजर्व कराने आना चाहिए और साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला आना चाहिए. अगर इतनी सी बात आती है तो आपके कोलिजन के बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हो. ठीक है बट अगर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट याद हैं तो आपको तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है. अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि अगर एक ब्लॉक है ठीक है एक मूविंग ब्लॉक ऑफ मास एम, एक ब्लॉक है जिसका पास मास एम है और ये मूव कर रहा है, मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी हमको नहीं पता है. ठीक है ए मूविंग ब्लॉक मास एम कोलाइड विथ ए स्टेशनरी ब्लॉक 4m. यहाँ पर एक स्टेशनरी ब्लॉक है जिसका मास m है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इन दोनों में हो गया कोलिजन. ठीक है एंड लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट. लाइटर कौन सा था? m वाला. जो कोलिजन किया ये वो तो रेस्ट में आ गया. ठीक है और आफ्टर कोलिजन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v. देखो यहाँ पर v दिया हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v. देन द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना. कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं? तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला क्या होता है? तो e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1. ठीक है और यह आ जाएगा u1 माइनस u2. दिस इज द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. v2 v1 क्या है? v2 जो है कोलिजन के बाद दूसरे वाले की इसकी वेलोसिटी है. v1 क्या है? कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी. u1 u2 क्या है? कोलिजन से पहले इन दोनों की वेलोसिटी. तो मान लो कोलिजन के बाद जो है जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ये जो इनका नाम दे दो ये फर्स्ट और ये सेकंड. कोलिजन के बाद जो फर्स्ट वाली वेलोसिटी है v1 वो तो आ गया 0. तो कोलिजन के बाद जो v2 है ठीक है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं पता, उसको निकाल लेते हैं. आपको पता अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोलिजन कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा. ठीक है अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन गलत हो जाएगा यार. ठीक है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मोमेंटम कंजर्व करा दो. इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना था इसका? एम बी. और इसका हो गया 0. ठीक है इसका मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम इसका हो गया 0 और इसकी वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है v2 और इसका मास जो है वो 4m. इसका मतलब ये हुआ m ने m को, इसका मतलब v2 जो है v2 इज इक्वल टू v/4 से जा रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा. ठीक है इधर उधर नहीं जा सकता किसी एंगल पे. ठीक है तो ये अब ये सारी वैल्यू लाके यहाँ मैं रखूँगा तो मुझे e की वैल्यू पता चल जाएगी. तो ये वैल्यू लाके रखो यहाँ. v2 क्या है? v2 अभी आप निकाले v/4. ठीक है माइनस v1 क्या है? v1 कोलिजन के बाद पहले 0 आ गया. u1 क्या है? पहले वाली जिसने कोलिजन किया था अभी. माइनस v2 क्या है? माइनस 0. ठीक है तो ये आ जाएगा कुल मिला के माइनस ये 1/4. ठीक है तो 1/4 मतलब 0.25. ठीक है एक प्योर नंबर है. ठीक है ई क्या है? एक प्योर नंबर है, यूनिटलेस डायमेंशनल लेस एक प्योर नंबर है. ठीक है 0.25 मतलब बी ऑप्शन इसका सही है.